कलेक्टर चौक के सौंदर्यकरण के 40 लाख कार्य में 5 लाख का किया काम, 35 लाख की हेरा फेरी। चालीस लाख के काम में 10-10 लाख की 4 निविदा। प्रमोद भांडारकर ने लगाए आरोप। कलेक्टर चौक में सौंदर्यकरण में बड़ा घोटाला। कलेक्टर संदीप कदम ने दिए घोटाले के जांच के आदेश। आरटीआई में क्यों नहीं दी जा रही जानकारी। नेशनल हाईवे विभाग ने नहीं दी काम की मंजूरी, जारी किया नोटिस। हाईवे का निर्माण कार्य होने से होगा लाखों का नुकसान। क्यों नहीं किया गया ई टेंडर। क्या दी गई थी जाहिरात। भंडारा शहर के कलेक्टर चौक में 1-1.5 महीने से सौंदर्यकरण का कार्य शुरू है, जिसमें चौक के बीच चौराहे पर ईंटें टाइल्स लगाकर सुंदर चौक बनाने का कार्य किया जा रहा है। हालांकि इसकी जानकारी ली गई तो बताया कि यह टेंडर एक कंपनी को दिया गया है। इस टेंडर की अंदाजा कीमत 40 लाख रुपए बताया जा रहा है। ई मीडिया एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रमोद भांडारकर ने इस सौंदर्यकरण की जाँच की तो नगर परिषद द्वारा निकाले गए कलेक्टर चौक के सौंदर्यकरण के टेंडर में 5 लाख का काम कर 35 लाख की हेराफेरी की जा रही है, ऐसा आरोप प्रमोद भांडारकर ने लगाया है। साथ ही इस टेंडर की आरटीआई के जरिए जानकारी मांगने पर नहीं दी जा रही है। इस सौंदर्यकरण के टेंडर को लेकर कलेक्टर से बात करने पर कलेक्टर द्वारा इस टेंडर के जांच पड़ताल के आदेश दिए गए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। यदि कलेक्टर चौक पर किए जा रहे सौंदर्यकरण में 40 लाख के टेंडर में 5 लाख का काम कर 35 लाख का घोटाला नजर आता है तो भंडारा शहर में जितने सौंदर्यकरण के टेंडर दिए गए हैं उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। ये काम जो है ये नगर परिषद काम कर रही है। नगर परिषद ने इसका 40 लाख का इस्टीमेट बनाया है और 40 लाख के इस्टीमेट के इसके 4 हिस्से बनाए जो कि गैर कानूनी है और उसको 4 हिस्सों में नहीं बांटा सकता। एक क्रिमिनल ऑफेंस है, यानी एक भ्रष्टाचार यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि 40 लाख के 4 इसमें इन्होंने टेंडर निकाले और एक ही कंपनी को काम दिए। और ये मात्रा आपको यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे ये बता रहे हैं ये 2.5 फीट की दीवार है जो पहले भी थी, उसको तोड़ा गया, फिर उसके बाद में इस पे यहाँ पे ये जो है कुछ मार्बल लगा रहे हैं। और मात्र ये हमने जिस पेटी कॉन्ट्रैक्टर है उसको पूछने के बाद में क्या ये कितने का काम है, तो उसने ये बताया ये काम किसी इन्होंने यहाँ का पूर्व उपाध्यक्ष नगर परिषद का वो यहाँ पे वो काम कर रहा है, उसके साथ में एक नगर सेवक भी है वो इसके साथ में काम कर रहा है, ये और ये दोनों मिला के यहाँ पे काम कर रहे हैं। 1 करोड़ के आसपास के जो काम है वो उसके अभी यहाँ पे चल रहे हैं। और यहाँ पे वो जो एक काम दिखाई दे रहा है ये आपको, ये एकदम कलेक्टर ऑफिस के सामने में है। निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है क्योंकि ये जगह जो है जो बीएनसी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं बोरकर साहब, इन्होंने खुद आके यहाँ पे जायजा लिया और उन्होंने कहा कि ये जगह जो है ये हमारी नेशनल हाईवे की है, जो नेशनल हाईवे से 23.5 मीटर हमारी जगह आती है और इस जगह पे आपने हमारी परमिशन लिए बगैर यहाँ पे काम चालू किया, ये एकदम सरासर गलत है, इल्लीगल है। इसके अलावा भी उन्होंने एक और बात कही कि ये नेशनल हाईवे जो है इसका 4-वे जो है ये हम चालू कर रहे हैं, उसकी टेंडर प्रोसेस हमारी चालू है और हम जैसा है हमारे टेंडर प्रोसेस को मान्यता मिल जाती है तो हम ये आपका जो है नेशनल हाईवे पे ये काम और जो नागपुर नाके पे 70 लाख का काम है ये दोनों को हम तोड़ देंगे। इसलिए उन्होंने बोले कि ये काम आप रोक दो, इसका आपको कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। ये बात स्पष्ट होने के बावजूद भी यहाँ पे काम चालू है। इसमें
40 लाख का जो टेंडर है, ई टेंडरिंग से बचने के लिए इन्होंने ऑफलाइन जो काम है उसके चार हिस्सों में काम लिए और एक छोटे से काम को इन्होंने चार हिस्से में किए। मगर ये पूरे काम की अगर किसी को भी अगर हम बोलते हैं कि इसका वैल्यूएशन निकालो तो ये वैल्यूएशन इस काम का है वे 5 लाख के ऊपर का नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि ये करीबन यहाँ पे 35 लाख रुपये का घपला जो कलेक्टर ऑफिस के सामने में यहाँ पे ये काम जस के तस चालू है। मतलब ये है, ऐसा लगता है कि यहाँ पे सब मिलीजुली सरकार है और भ्रष्टाचार के ऊपर में कोई अंकुश नहीं है। इसके बारे में मैं इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का अध्यक्ष होने के नाते उनको एक पत्र व्यवहार किया और क्या हमारे को ये इस काम के बारे में हमारे को इन्फॉर्मेशन दी जाए, मगर उन्होंने नहीं दिए। तो मैंने माहिती के अधिकार में उनको इन्फॉर्मेशन मांगा, मगर मेरे को उन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दिए। फिर उसके तारीख होने के बाद में एक महीने के बाद में उसका अपील की उसकी 25 तारीख लगी हुई थी। अपील में आर्डर हुआ था कि 8 दिन के अंदर में आपको ये सब डॉक्यूमेंट देंगे, मगर 8 दिन होने के बावजूद भी अभी भी वहाँ से डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले। इसका मतलब ये डॉक्यूमेंट्स अगर छुपा रहे तो यहाँ पर साफ तौर पर दिख रहा है कि भ्रष्टाचार बहुत बड़े लेवल पर चालू है और भंडारे के सभी कामों को जो अगर वो 10 लाख का है तो उसका एस्टिमेट 1 करोड़ का बनाया जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर घपले चालू है। मेरे यही मांग है कि जो दलित बस्ती का पैसा होगा, स्वर्ण जयंती योजना का पैसा होगा, जो भी शहर में विकास के लिए करना है उसका प्रॉपर एस्टिमेट बने, यहाँ के लोगों को काम मिले, इसकी जांच हो और यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे मनी लॉन्ड्रिंग का हो रहा है। जो देश द्रोह का गुन्ना है ये मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, तो उसके अकाउंट की जाँच हो कि नगर परिषद से पैसे निकल के कहाँ जाते हैं और किसके फिर बाद में अकाउंट में ट्रांसफ़र होते हैं, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत अहम मुद्दा है। इसमें जो सबसे पहली बात होती है कि CEO जहाँ पे उनकी जो कैबिनेट होती है वो कैबिनेट के मीटिंग में वो काम सैंक्शन करना पड़ता है, फिर उसका एस्टीमेट बनता है, फिर वो एस्टीमेट को तांत्रिक मंजूरी के लिए BNC की तरफ जाता है। उसके पहले की एक प्रक्रिया है, वो आने के बाद में उस खर्च को प्रशासकीय मंजूरी देना पड़ता है। वो जो भी एस्टीमेट बनता है तो 5 लाख के ऊपर की अगर कोई काम होता है तो माननीय जिलाधिकारी साहब इनके तरफ परमिशन के लिए जाता है और उसको परमिशन दिया जाता है 5 करोड़ के ऊपर के काम के लिए। और BNC भी आती है और नगर विकास विभाग है पीछे में, जो जिसमें चंदन पाटिल साहब डिप्टी कलेक्टर है वो भी आते हैं और नगर परिषद भी आते हैं। नगर परिषद के जो है कनिष्ठ अभियंता जो वंजारी मैडम है, दूसरा कनिष्ठ अभियंता पाटिल साहब है, CEO विनोद जी यादव है, ये सब इसके दायरे में आते हैं और ये सब इसका जो मसाला बनाने का काम है वो कंत्राटदार को मिला के यहाँ पे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। इस ऐसे कंत्राटदार के ऊपर में चौकसी होके गुन्ना दाखिल होके ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो रोकना चाहिए और इस प्रकार से देश विरोधी कार्य को यहाँ पे जो रोक लगनी चाहिए। सब इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि जब यहाँ पे आढ़ावा बैठक लिया था परिणय फुके साहब ने, तब वहाँ पे मैंने ये मुद्दा उठाया था, तब उसमें इसकी प्रॉपर कीमत कितनी है ये नहीं बता पाए थे। उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिए थे, कार्रवाई नहीं हुई है। इसमें सब अधिकारी जिनके पास में ये फाइलें जाती है, जो इसके ऊपर में आग बंद करके सिग्नेचर कर रहे हैं, वो सब दोषी है।